सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं बहुत आभारी हूं इलियास साहब का, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का, कि उन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और मुझे और अन्य लोगों को इसके लिए आमंत्रित किया। और बहुत ही उम्दा टॉपिक चूज़ किया आज, क्योंकि 75वां स्वतंत्रता दिवस है। तो ये एक समय है जब हमको इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए कि जब हमको स्वतंत्रता मिली तो उस समय जो हमारे देश के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने संविधान की स्थापना करी, उन्होंने क्या सपना हिंदुस्तान का देखा था, क्या सपने हमारे संविधान में देखे गए, किस आधार पर हमारा संविधान बनाया गया, किस तरह का मुल्क हमने सोचा था कि कैसा हम बनाना चाहते हैं, और आज क्या हालात हैं, क्या हम उसमें सफल हुए जो हम कोशिश कर रहे थे जब स्वतंत्रता हमें मिली, जब संविधान हमने बनाया, और अगर नहीं तो कहाँ कमी रह गई, क्या हो गया, उसको सुधारने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। ये सब बहुत अहम सवाल हैं जिस पर आज हम लोगों को बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। तो जैसे इलियास साहब ने ज़िक्र किया कि जब स्वतंत्रता मिली और जब हमने संविधान बनाया, हमारा संविधान बनाया गया, तो ये अच्छी तरह से समझा गया, उन लोगों ने समझ लिया कि हिंदुस्तान एक बहुत डाइवर्स देश है, इसमें हर तरह के मज़हब हैं, हर तरह की लैंग्वेजेस हैं, हर तरह के कल्चर्स हैं, और उसको एक देश में यूनाइट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहली बात तो हर तरह के लोगों को, हर तरह के मज़हबों को, हर तरह के कल्चर्स को, हर तरह के लैंग्वेजेस को पूरी खुली छूट दी जाए, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी रिलीजन को प्रोपोगेट करने का, क्योंकि ये रियलाइजेशन था, कम से कम उस समय था, कि हमारी जो डाइवर्सिटी है देश की, कि इतने अलग अलग कल्चर्स हैं, इतने अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, इतने अलग अलग रिलीजन्स हैं, ये हमारे देश की, हमारे समाज की एक स्ट्रेंथ है, मजबूती है, उसकी कमज़ोरी नहीं है। जैसा आज कुछ लोग सोचते हैं कि हमको एक ही तरह के लोग चाहिए, एक ही मज़हब के लोग चाहिए, एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल गलत सोच है। जिस तरह से बायोडाइवर्सिटी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी होती है, उसी तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी किसी भी मुल्क, किसी भी समाज के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, आप एक दूसरे के कल्चर से, एक दूसरे के रिलीजन से, एक दूसरे के लैंग्वेज से बहुत कुछ सीखते हैं। हर चीज़ में अपनी अपनी रिचनेस होती है। तो दूसरी बात, हम लोग तो अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद हुए थे, तो हमको एक लोकतंत्र स्थापित करना था। लोकतंत्र के लिए ये बहुत ज़रूरी था, यानी जनता का राज। अब जनता का राज तो तभी हो पाएगा अगर लोगों को पूरी आज़ादी हो अपनी बात रखने के लिए। सरकार, जो चुनी गई सरकार है, अगर वो गलत काम कर रही है तो उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए, उसको सही राय, अपनी राय देने के लिए कि भाई सही रास्ता क्या है, आप गलत रास्ता अपना रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी एक बहुत अहम नेसेसिटी है और एक अधिकार है जो कि हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार बनाया। तीन तरह के मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने बनाए, तीनों बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आर्टिकल 14 कैटेगरी जो है, जिसमें बराबरी,
यानी कि किसी भी नागरिक के खिलाफ उसके उसके रिलीजन के आधार पर, उसके कास्ट के आधार पर, उसके सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सब बराबर होंगे, सबको बराबर के राइट्स होंगे। दूसरे जो आर्टिकल 19 राइट्स हैं, जिसको हम सिविक राइट्स कहते हैं, कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिसमें एक जगह से इस मुल्क में कहीं पर भी फ्रीली ट्रैवल करने की और कहीं पर भी जाकर अपना निवास बनाने की आज़ादी, कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करने की आज़ादी, ये सारी आज़ादियाँ, एसोसिएशन की आज़ादी कि हम ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर कलेक्टिवली काम कर सकते हैं, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी आज़ादियाँ आर्टिकल 19 के राइट्स में दी गई। उसके अलावा आर्टिकल 21 लाइफ और लिबर्टी का राइट होता है, जिसमें ये कहा गया है, नोबडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ और लिबर्टी विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और विदाउट। अब आजकल जैसे अभी ऐसे ऐसे कानून इस देश में आज भी कायम हैं, जो कुछ अंग्रेज़ों ने बनाए, कुछ आज़ादी के बाद भी बनाए गए, जिनको हम मनहूस कानून कह सकते हैं। जैसे सेडिशन का कानून जो अंग्रेज़ों ने बनाया, जिसमें ये कह दिया कि जो जना सरकार के खिलाफ भावना भड़काएगा वो संगीन अपराध माना जाएगा और उसको 10 साल के लिए जेल में डाला जा सकता। ये तो अंग्रेज़ों ने बनाया था क्योंकि उनकी हुकूमत थी। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और हमने संविधान स्थापित कर दिया, तब तो हर एक जने को मौलिक अधिकार मिल गया अपनी बात रखने का, अहिंसक तरीके से सरकार बदलने का, इलेक्शन के द्वारा सरकार बदलने का। तो इसलिए सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना, सरकार की निंदा करना, सरकार के खिलाफ भावना, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। तो फिर इस कानून को, पर ये कानून बरकरार रखा गया आज़ादी के बाद भी, तो इसको चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर हम इसको लिटरली इंटरप्रेट करें तब तो ये हमारे संविधान के खिलाफ होगा, मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा, तो कानून को रद्द करना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको रीड डाउन कर दिया, सेडिशन के कानून को। उन्होंने बोला कि जब तक आप हिंसा ना भड़काएं या पब्लिक डिसऑर्डर ना क्रिएट करें, तब तक आपके खिलाफ सेडिशन का चार्ज नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं, तो 62 में ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसके बाद भी रोज़ क्या काफ़ी ऐसे केसेस होते जाते रहे, जिसमें कि लोगों को सिर्फ सरकार की आलोचना करने की वजह से सेडिशन के अपराध में गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ केस चलाया गया। हम लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट गए करीब 5 साल पहले, ये कहने के लिए कि भाई देखिए, आपने ये बात तो कह दी, लेकिन फिर भी पुलिस इसका दुरुपयोग करती है। जहाँ पर कोई हिंसा भड़काने या पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने की बात ना भी हो, तब भी इस कानून का दुरुपयोग किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि किसी कार्टूनिस्ट ने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्टून बना दिया या उसकी आलोचना कर दी। तब हमने ये बोला कि आप इसमें ये और सेफगार्ड डालिए कि जब तक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये ना कह दे कि भाई हमने ये देख लिया है इसके खिलाफ जो एलिगेशन है, और ये क्लियर है कि ये हिंसा भड़का रहा था या ये आदमी पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा था, और तभी जाकर FIR रजिस्टर हो सकता है, वरना FIR भी नहीं रजिस्टर हो सकता सेडिशन का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सिर्फ यही कह के डिस्पोज ऑफ कर दिया कि नहीं जी, हम तो पहले कह चुके हैं कि जब तक हिंसा भड़काने की बात ना हो तब तक अपराध नहीं दर्ज होगा, तो हम और कुछ नहीं कहना चाहते। अब उसका रिजल्ट ये हुआ कि पिछले 5 सालों में धड़ाधड़, खासकर ये सरकार जब से आई है,
इन्होंने तो बहुत ज़्यादा इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तो अब कई सारी पिटिशंस हम लोगों ने भी फाइल करी हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें कि इस सेडिशन के कानून को पूरी चुनौती दी गई है। इसी तरह से स्वतंत्रता के बाद इन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन के भी कानून बना दिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना दिया। पहले इमरजेंसी के ज़माने में एक मीसा होता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें इमरजेंसी में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, ये कह के सिर्फ क्योंकि वो सरकार के खिलाफ थे, ये कह के गिरफ्तार कर लिया, ये लोग तो सिक्योरिटी थ्रेट हैं। इसी तरह से आज भी एक कानून कायम है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून है, यानी कि आपने कोई अपराध ना भी किया हो तो फिर भी आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, ये कह के कि भाई हमको शंका है कि भाई ये सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। इसी तरह से UAPA का कानून बनाया गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें कि अनलॉफुल एक्टिविटी के डेफिनेशन में भी सेडिशन की डेफिनेशन दे दी गई कि आप सरकार के खिलाफ अगर भावना भड़काते हैं तो अनलॉफुल एक्टिविटी है। लेकिन उस कानून में एक और भयंकर चीज़ है, उसमें ये लिख दिया कि कोई कोर्ट बेल इस कानून के तहत तब तक नहीं देगा जब तक कि वो ये ना कह दे कि इसके खिलाफ कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है। और अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत गलत जजमेंट में ये कह दिया था कि उस समय जब आप बेल एग्ज़ामिन करेंगे कि बेल दी जाए कि ना दी जाए, उस समय आप ये भी नहीं देख सकते कि जो एविडेंस इसके खिलाफ पुलिस ने प्रोड्यूस किया है वो एडमिसिबल भी है कि नहीं है। तो इसके चलते हुए UAPA एक बहुत ही ड्रैकोनियन कानून बन गया है, जिसके वजह से हिंदुस्तान के आज जो बहुत ही बढ़िया पीसफुल एक्टिविस्ट जैसे कि अपना उमर खालिद या सुधा भरद्वाज या आनंद तिलतुम्बले, गौतम नवलखा, इन लोगों को, फादर स्टैन स्वामी, इन लोगों को जेल में रखा हुआ है, बिल्कुल अहिंसक ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं। तो अभी जस्टिस लोकुर ने ये बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला कि देखिए रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में फ़र्क होता है, और किसी देश को अगर हम बोलें कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ कायम है तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कानून जो बने हैं उनको उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसका मतलब ये भी है कि जो कानून बने हैं वो जस्ट कानून हैं। अगर अनजस्ट कानून हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है। और ये सारे कानून जो हैं, सेडिशन का कानून, UAPA और NSA, ये सब अनजस्ट कानून हैं। रूल बाय लॉ तो हम कह सकते हैं भाई आपने ऐसा कानून बना दिया कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गिरफ्तार आप करते जा रहे हैं ऐसे लोगों को, तो रूल बाय लॉ तो हो गया लेकिन रूल ऑफ लॉ नहीं हुआ। तो आर्टिकल 21 में ये निहित है कि कानून जो बने जिसके तहत आपकी लिबर्टी ली जाए वो कानून जो हैं जस्ट कानून हो, इस तरह के ड्रैकोनियन कानून नहीं हो सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के बारे में ये बोला कि राइट टू लाइफ का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप जानवर की तरह जी सकें, कि आपके पास खाना भी नहीं है, आपके पास रहने की जगह भी नहीं है, आपके पास बेसिक एजुकेशन भी नहीं है, बेसिक हेल्थ केयर भी नहीं है, ये सब चीज़ें निहित हैं डिग्निफाइड लाइफ ज़िंदगी जीने के लिए, और इसलिए उसके लिए आपको ये सब चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। फिर संविधान ने हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई सारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए। पहले तो न्यायपालिका, न्यायपालिका के दो रोल होते हैं, दो तरह के। एक रोल तो होता है कि लोगों के बीच में जो आपस में डिस्प्यूट्स हों उनका निपटारा कराना, और दूसरा इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, और कार्यपालिका और विधायिका को अपने अपने दायरे में रखना।
ये बहुत बड़ा रोल है और इसके लिए न्यायपालिका को सरकार से स्वतंत्र होने की ज़रूरत है, तभी ये काम कर पाएंगे। मौलिक अधिकार का हनन तो ज़्यादातर सरकारें करती हैं। अगर आपको सरकार को, कार्यपालिका को अपने दायरे में रखना है, जो संविधान ने दायरा बनाया हुआ है, और विधायिका को भी अपने दायरे में रखना है कि संविधान के खिलाफ कोई कानून ना बने, तब फिर जैसे अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया है इन्होंने, जो कि संविधान के सीधा सीधा खिलाफ़ है, क्योंकि वो रिलीजियस ग्राउंड पर, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करता है। अब इस कानून को रद्द करने का दायित्व न्यायपालिका को दिया गया है। बहुत सारे पिटिशंस फाइल हुए हैं, पेंडिंग हैं, 1.5-2 साल से अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि न्यायपालिका सरकार से स्वतंत्र हो, और उसको स्वतंत्र बनाने के लिए संविधान में कई प्रावधान डाले गए कि न्यायाधीशों को सरकार नहीं हटा सकती, इम्पीचमेंट के ही तरीके से उनको हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट को बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बनाया गया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज अगर हम न्यायपालिका को देखें कि आज न्यायपालिका का क्या हाल है या क्या हो रहा है, तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में, खासकर पिछले 7 सालों में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है बहुत चरमरा गई है। अभी हाल में कुछ महीने में तो हम फिर भी देख रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन उससे पहले 5 साल जो पिछले 4 चीफ जस्टिसेस का टेन्योर रहा, उसमें हमने देखा कि सरकार के खिलाफ कोई भी अहम मुद्दे पर कोई फैसला नहीं आ पाया। इतने सारे मुद्दे गए सुप्रीम कोर्ट के सामने, सिर्फ CAA ही नहीं, कश्मीर का ही नहीं, रफाइल का मामला गया, अयोध्या का मामला गया, जज लोया का मामला गया, बिरला सहारा डायरीज का मामला गया, इतने सारे गए, किसी भी केस में सरकार के खिलाफ कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया। और हमने देखा कि एक मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा की मेंबरशिप दे दी गई, किसी को ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया, ये सब हो रहा, कुछ को ब्लैकमेल कर लिया गया। एक बहुत बड़ा संकट देश के सामने और बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने ये भी है कि जो न्यायपालिका को हमारे संविधान ने स्थापित किया, इस देश के लोकतंत्र और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, वो न्यायपालिका आज उसमें विफल हो रही है और उसकी स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। फिर हमारे संविधान ने इलेक्शन कमीशन बनाया कि भाई इलेक्शंस, एक्चुअली एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई, जब संविधान बना तो हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी स्थापित करी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी स्थापित उस समय नहीं करी, कम से कम संविधान में उसका हमने कुछ नहीं लिखा। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की एक प्रॉब्लम ये उभर कर आई है कि हम जब अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, क्योंकि हम लोगों का अब सिस्टम ये है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, वो लोग मिलकर सरकार बनाएंगे और फिर वो लोग सारे फैसले लेंगे और फिर जनता का उसमें कोई ख़ास हस्तक्षेप या रोल नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ये मतलब प्रॉब्लम थी, अब दिखाई देने लगी है एकदम साफ साफ, तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट है या कौन सबसे अच्छी पार्टी है कि हम उसको वोट दे दें। अगर हमको लगता है कि ये सबसे अच्छा, मान लीजिए राघवन साहब की पार्टी ने कोई कैंडिडेट खड़ा किया है या वेलफेयर पार्टी ने कोई कैंडिडेट खड़ा किया और हमको लग रहा है कि भाई ये सबसे अच्छी पार्टी है, इनका कैंडिडेट सबसे बढ़िया है,
लेकिन हमको ये भी लग रहा है कि भाई ये जीत तो सकते नहीं। अब हमको ये पता है कि एक ही जना इलेक्ट होगा, इस कंस्टिट्यूएंसी में एक ही जना इलेक्ट होगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी, बाकी लोगों की वोट जो है उसका कोई मायने नहीं रहता, बाकी लोगों को जो वोट मिली। तब हम ये देखते हैं, सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन हमको सबसे अच्छा लग रहा है, हम ये भी देखते हैं कि भाई इसके जीतने का कोई चांस है कि नहीं है। अगर हमको लगता है कि इसके जीतने का कोई चांस नहीं है, तब फिर हम ये देखते हैं कि अच्छा किन लोगों के जीतने का चांस है, उनमें से जो हमको कम खराब लगता है उसको हम वोट देते हैं। अब ये हम किस तरह से समझते हैं कि किसके जीतने का चांस है, उसका आधार ये होता है कि किस किस कैंडिडेट की कितनी विजिबिलिटी है। जिनकी खूब विजिबिलिटी होती है, जो दिखाई देते हैं सब जगह, उनके पोस्टर, होर्डिंग, एडवर्टिजमेंट्स, बड़ी बड़ी रैली हो रही हैं, हमको लगता है कि हाँ भाई ये तो बड़ा तगड़ा कैंडिडेट है, इसके जीतने का चांस है, मोदी जी आकर बड़ी बड़ी रैली करते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल पैसे के आधार पर होने लगी हैं, पैसे से आप एडवर्टिजमेंट्स खरीद सकते हैं, होर्डिंग्स लगवा सकते हैं, बड़ी बड़ी रैली भी आजकल पैसे से करी जाती हैं, और उसके अलावा आप अपने पेड वर्कर्स रख सकते हैं जो आपके बैनर और पोस्टर और लीफलेट वगैरह लेकर इधर उधर घूमें। तो लोकतंत्र आज पैसे का खेल हो गया है, और हमको पैसे की अहमियत कम करनी थी इलेक्शंस में, उसके लिए एक इन्होंने लिमिट रखी थी कैंडिडेट्स के लिए, तो जितना आप पैसा खर्च कर सकते हैं उसकी लिमिट रखी गई है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है। और कैंडिडेट्स के लिए भी जो लिमिट रखी गई है उसमें आपने ये कह दिया कि भाई आप कैश से भी पैसा खर्च कर सकते हैं। अब होता यह है कि चाहे लिमिट मान लीजिए लोकसभा के चुनाव की है 70 लाख, लेकिन हम देखते हैं कि लोग 10-10 करोड़ खर्च करते हैं, इलेक्शन कमीशन उनको पकड़ नहीं पाता, क्योंकि वो सारा कैश में खर्च करते हैं और डिक्लेयर थोड़ा सा करते हैं उसका। जब मोदी जी ने नोटबंदी करी तो बोला कि हम कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, यानी कि आम आदमी जो है सारा अपना ट्रांजैक्शन बैंक के ज़रिए करे। अब आम आदमी का तो समझ में आता है कि वो अपना ट्रांजैक्शन बैंक के ज़रिए नहीं कर सकता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल कैंडिडेट्स तो कर सकते हैं। आप कम से कम ये कानून बना देते कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट सारे अपने खर्चे और इनकम वगैरह सब बैंक के थ्रू ही होगा, कैश से कुछ नहीं होगा, वो भी आपने नहीं बनाया, और उल्टा पैसे की अहमियत और बढ़ाने के लिए आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि लोग बैंक के थ्रू भी डोनेशन दे देते हैं, मतलब बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड मान लीजिए 100 करोड़ के आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिए, लेकिन उस इलेक्टोरल बॉन्ड पर किसी का नाम नहीं होता, कैश की तरह होते हैं जैसे नोट है। तो आपने बैंक के ज़रिए भी कैश इंट्रोड्यूस कर दिया कि एनोनिमस तरीके से कोई भी जना कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टी को दे सके। फिर आपने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड कर दिया। हमने एक केस फाइल किया कि भाजपा और क्योंकि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट बाहर से पैसा नहीं ले सकता कोई विदेशी कंपनी से, और इन्होंने लिया कांग्रेस और भाजपा ने, हाई कोर्ट ने बोला कि इन्होंने लिया, इनका प्रोसिक्यूशन हो, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटिशन डिसमिस कर दी, इनकी अपील वगैरह, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, और कानून जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंड कर दिया और बोल दिया कि आप पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं विदेशी कंपनियों से पैसा ले सकती हैं। तो अब आप बड़ी बड़ी कंपनियों को जिनको आपने रफ़ाइल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया या जिनको आपने कोई और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उनसे आप पैसा ले सकते हैं पॉलिटिकल पार्टियां। फिर आपने जो लिमिट था, पहले कानून में लिमिट था कि 7.5% आपके जो प्रॉफिट हों किसी भी कंपनी के, उससे ज़्यादा आप कोई पॉलिटिकल डोनेशन नहीं दे सकते, वो लिमिट भी हटा दिया। तो यानी आपने पैसे की अहमियत चुनाव में और बढ़ा दी, और सारा ही
अब पैसों का खेल हो गया। अब होता यह है कि भाजपा के पास 10 गुने पैसे हैं जितने सारी और पॉलिटिकल पार्टीज के पास कंबाइंड पैसे हैं, उसके 10 गुने पैसे एक पॉलिटिकल पार्टी के पास है जो आज इस केंद्र में राज कर रही है, तो उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब लोकतंत्र का आपने बिल्कुल मुखौल बना रखा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। तो इलेक्शन कमीशन को ये सोचा गया था कि ये लोग चुनाव कम से कम इंडिपेंडेंट तरीके से कराएंगे, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बना दी थी। 30-35 साल जब सेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, उसके करीब 35 साल तक तो मामला ठीक चला, लेकिन पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता पर भी आँच आ गई है। और अब पिछले 5 साल से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन में ऐसे लोगों को बैठा दिया गया है जो बिल्कुल सरकार के कहने पर चलते हैं। इलेक्शन की डेट सरकार के कहने पर तय करी जाती हैं, इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को एनफोर्स नहीं किया जाता प्रधानमंत्री और ये अमित शाह वगैरह के खिलाफ, यानी वो लोग कितना भी वायलेट करें मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को, उसको एनफोर्स नहीं किया जाता उनके खिलाफ। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हिंदुस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का बुरा हाल कर दिया, यूनिवर्सिटीज़ को तो अब ये लोग, मतलब वहाँ पर ना तो कोई डिस्कशन, यूनिवर्सिटीज़ का तो ऑब्जेक्ट ये होता है और होना चाहिए कि वहाँ पर शोध हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो कि भाई देश समाज कैसे चल रहा है, देश समाज में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो उसके खुले डिस्कशन होते हैं, डिबेट्स होते हैं, वो सब बंद करा दिए हैं। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को, JNU को, जामिया को, BHU को, मतलब बिल्कुल ये लोग ख़त्म करते चले जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, विजिलेंस कमीशन हो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं CBI, NIA, पुलिस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, सब को इन लोगों ने बिल्कुल स्वतंत्रता तो खैर छीन ही ली और बिल्कुल एक ऐसी एजेंसीज़ में कन्वर्ट कर दिया है जो सरकार के इशारों पर बस ऑपोजिशन को, एक्टिविस्ट को, जर्नलिस्ट को तंग करने के लिए ये एजेंसीज़ काम कर रही हैं। तो मैं अपनी बात, अब लंबी हो गई मेरी, अब मैं ख़त्म करता हूँ। देखिए, बहुत बड़ी चुनौतियाँ आ गई हैं हिंदुस्तान में, गैर बराबरी बढ़ती जा रही है बड़ी तेज़ी से, गरीबी ख़त्म होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने जब संविधान बनाया तो ये सोचा था कि भाई धीरे धीरे करके गरीबी हम ख़त्म कर देंगे, बेरोज़गारी बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मतलब जो जो हम लोग चाहते थे करना, बिल्कुल अब उसके उल्टी तरफ गाड़ी चल रही है। धर्मनिरपेक्षता का तो मतलब पूछिए ही नहीं कि क्या हालत कर दी है, कि खुले आम गुंडागर्दी चल रही है। खुले आम ये कहते हैं कि भाई हम तो मुसलमानों को दूसरा दर्जा देंगे इस देश में, ये तो हिंदू राष्ट्र है। गुंडागर्दी चारों तरफ रोज़ दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं हमारे सामने। अब ये चुनौती हम लोग कैसे कन्फ्रंट करेंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, इसके लिए सिविल सोसाइटी को बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। पूरे देश की पूरी सिविल सोसाइटी जो आज ये समझते हैं, और मेरा मानना ये है कि अभी भी अधिकतर लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं, ये जो लोग सोचते हैं कि भाई सारे हिंदू कम्युनल हो गए, ये बात गलत है। इन लोगों ने, ठीक है, थोड़ा कम्युनलाइजेशन थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन मेजॉरिटी जो है हिंदूज की, वो अभी बिल्कुल नॉन कम्युनल हैं। उनको ये सब पसंद नहीं है जो चल रहा है। देयरफॉर हमको ये देखना है कि सिविल सोसाइटी, यानी हम लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं। उसके लिए एक ज़रूरी होगा, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ ये काम नहीं कर सकती। हम लोगों को सबसे पहले तो अब आज की सिचुएशन देखकर, क्या हमारी चुनौतियां हैं, क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्या क्या जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है,
इकोनॉमी है वगैरह वगैरह, इसमें क्या होने की ज़रूरत है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी है, इनमें क्या ठीक होने की ज़रूरत है। तो एक तो हमको अपना विज़न और एजेंडा डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत है। हम लोगों ने एक बनाया था फरवरी 2019 में, जिसका नाम है रिक्लेमिंग द रिपब्लिक, जिसमें बहुत सारे करीब 35-40 एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाया था। उसका एक वेबसाइट भी है reclaimingtherepublic.in, उस पर वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के दिन में एक हम लोगों को वो विजन और एजेंडा डॉक्यूमेंट देश के लिए बनाने की ज़रूरत है। साथ में एक बड़ा, अब ये समय आ गया है कि जैसे कि 10 साल पहले एक बड़ा एंटी करप्शन मूवमेंट इस देश में चला, लोकपाल आंदोलन जिसको कहते हैं, उसी तरह से आज इसका अब समय है कि बेरोज़गारी के ऊपर एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा होना चाहिए, जो सिविल सोसाइटी खड़ा करे। बेरोज़गारी एक ऐसी समस्या है जो सबको छूती है, स्पेशली जो हमारे यूथ हैं, रूरल, अर्बन, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, सबको। और अगर हम एक छोटा सा कानून बनाएं कि भाई सरकार सबको रोज़गार दे कम से कम न्यूनतम वेजेस पर, और नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे उसका आधा, और जितने सरकारी पोस्ट हैं जो रिक्त हैं लाखों राज्यों में और केंद्र में, सबको तुरंत भरा जाए और प्रॉपर तरीके से, क्रेडिबल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से भरा जाए। क्योंकि आज 2 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ बच्चे हमारे हर रोज़ ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते रहते हैं कि किसी सरकारी कोई नौकरी इधर उधर मिल जाए, और वो पद भरे ही नहीं जा रहे, और भरे भी जा रहे हैं तो उसमें खूब बेईमानी हो रही है। तो अगर हम ये 2-3 प्रॉन्ग्स पर, एक बेरोज़गारी के ऊपर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें, तो मेरा मानना यह है कि देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन इसके ऊपर खड़ा किया जा सकता है। इसी तरह से और भी मुद्दे हो सकते हैं जिस पर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए, लेकिन ये एक मुद्दा है जो सबको छूता है। तो मेरा मानना यह है कि अब हमको पूरा स्टॉक लेने की ज़रूरत है कि ये देश आज कहाँ खड़ा है, क्या हमारी ज़रूरत है। अगर हमको अपना रिपब्लिक को रिक्लेम करना है तो हमको क्या क्या करने की ज़रूरत है, और साथ में हम सबको मिलकर एक, कम से कम एक मुद्दे पर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है, तब तो हम लोग हो सकता है इस देश को बचा पाएँ। नहीं तो देश आज बहुत बड़े संकट में आज फंसा हुआ है, बहुत ही बड़े संकट में हम लोग हैं, देश क्या पूरी दुनिया भी, और ये कोविड के कारण तो और समस्या बढ़ गई है। तो यही सब मैं कुछ कहना चाहता था, और वेलफेयर पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद।